हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑल साइन के लिए लव लाइफ में क्या आ रहा है। मैं हर साइन के अलग अलग बारी से जो है रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं फायर साइन से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो क्या कुछ मैसेजेस आ रहा है उन लोगों के लिए, मैं स्पेसिफिक साइन को लेकर करूंगी। सबसे पहले हम एरीज का देखेंगे, ठीक है। एरीज यहाँ पर आ रहा है नाइट ऑफ सोर्ट्स। ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में जल्दी कोई हलचल हो, जल्दी कोई मूवमेंट हो, आपके पार्टनर से कुछ बातचीत हो जिससे आप दोनों का टकरार हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बट काफी पॉजिटिव चीजें होंगी। लाइक कुछ हलचल और बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का हलचल होने वाला है जिससे जो है आप और आपके पार्टनर फिर से करीब आ सकते हो, ठीक है। फिर हम देखेंगे लियो। लियो ओके, लियो मुझे यहाँ पर लग रहा है आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो हो सकते हैं लिब्रा। सो ये दिखा रहा है कि आपके साथ आपके रिश्ते में जो भी गलती हुई थी वो कहीं ना कहीं जाकर सही होने वाला है। आपके लाइफ में बैलेंस आने वाला है, प्यार के लाइफ में आपके बैलेंस आने वाला है बहुत जल्दी। कहीं ना कहीं जो सही है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर है सजिटेरियस। सजिटेरियस जेमिनी एक्वेरियस लिब्रा के साथ हो सकता है आप डील कर रहे हो, और हो सकता है बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपके पास लौट कर आए, या फिर आपके सामने कोई ऑफर रखे, या फिर आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए आए, और ये बहुत शांति से चीजें अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से मूवमेंट दिख रहा है। फिर हम देखेंगे वाटर साइन का। चलिए कैंसर। कैंसर आपके लिए आ रहा है टेम्परेंस। हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो सजिटेरियस हो, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि बहुत जल्दी आपकी लव लाइफ में एक बैलेंस बनने वाला है, फिर से रिकंसिलेशन होने वाली है, बातचीत होने वाला है। एंजेलिक ब्लेसिंग्स है, एंजेलिक गाइडेंस है, एंड एंजल्स भी हेल्प कर रहे हैं आपके रियूनियन के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आप जिनके साथ डील कर रहे हो सकते हैं कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, और मुझे ये कार्ड बता रहा है कि बहुत जल्दी आपकी लव लाइफ में आप जो कॉल की एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा और भी इंतजार करो। यहाँ पर दो टाइप की मुझे दिख रही है। आप अगर कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे थे, हो सकता है थोड़ा और इंतजार आपको करने की जरूरत पड़ेगी, या फिर बहुत जल्दी आपके पार्टनर से कॉल या फिर सोशल मीडिया पर मैसेजेस भी आए, ठीक है। फिर यहाँ पर पाइसिस के लिए देखेंगे। पाइसिस मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ मिलने के लिए जा सकते हो, बातचीत हो सकती है बहुत जल्दी, या फिर उनकी फैमिली से मिल सकते हो शादी के लिए, या फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके पार्टनर किसी बात को लेकर आप में बातचीत हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है बहुत जल्दी, ठीक है। और हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ जो है उनके घर में भी जाओ मिलने के लिए, वो आपके घर पर आए। और अगर ब्रेकअप पीरियड चल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपस में कोई सुलह होने के लिए बातचीत हो सकती है। नेक्स्ट अब देखेंगे अर्थ साइन का। अर्थ साइन कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन आ रहा है द स्टार। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कैप्रिकॉन आप जो है बहुत जल्दी आपके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आने वाली है। शादी अगर चाहते हो तो शादी होने वाली है आपकी लव लाइफ में, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में कोई शांति प्रिय मतलब पीसफुल कुछ चीजें हो सकता है, या फिर मुझे ऐसा रिकंसिलेशन का भी दिख रहा है, बहुत जल्दी रिकंसिलेशन होना। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा ओपन हो जाओगे, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस करोगे। उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है काफी इमोशनल भी हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पर फिर देखेंगे हम टॉरस। टॉरस यहाँ पर दिखा रहा है कि आप अगर चाहते हो कि आपके रिश्ते में चीजें सही हो तो आपको आपके रिश्ते पर काम करने की जरूरत पड़ेगी। अभी काम करने का टाइम है, आपके रिश्ते में एनर्जी इनपुट करने का टाइम है। आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है और थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है अपने रिश्ते को लेकर, उसके बाद ही चीजें जाकर आगे सही होगा। अगर तकलीफ हो रही है सोचकर आप चीजों को छोड़ देंगे तो चीजें सही नहीं होगा और आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, ठीक है। वर्गो। वर्गो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है। तो वर्गो आपके लिए यह मैसेज है कि आप जो हैं बहुत जल्दी
ऐसा दिख रहा है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पार्टनर से बहुत जल्दी कोई मैसेज वगैरह आए, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं। अगले कुछ आने वाले दिनों में आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोच सकते हैं, बट ये अपने प्यार को खुलकर एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उल्टा ये अपना प्यार अपने अंदर ही रखेंगे। बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको, ठीक है। फिर हम देखेंगे एयर साइन, जेमिनाई। जेमिनाई आपके लिए कार्ड आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड बोल रहा है कि आप हो सकता है बहुत जल्दी आपके पार्टनर के साथ सोशल मीडिया पर बातचीत कर सकते हो, फिर से बातचीत स्टार्ट हो सकती है, फिर से थोड़े थोड़े से ही स्टार्ट होगी, ऐसे कुछ रश नहीं होगा, बस धीरे धीरे एक एक स्टेप लेकर आप दोनों की बातचीत स्टार्ट हो सकती है, कुछ क्लैरिटी की बात हो सकती है। बट यस, मुझे उनकी तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज आता हुआ दिख रहा है। लिब्रा, लिब्रा यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड आ रहा है, और ये लिब्रा मुझे ये बोल रहा है, आपका कार्ड हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई मैसेज आए, ऑफर आए, बातचीत करना, मिलना, या फिर रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाना, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से बहुत जल्दी, तो आप वेट करो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन भी काफी हेल्प कर रही है आपके पार्टनर को आपकी तरफ लाने में, ठीक है। फिर यहाँ पर है एक्वेरियस, एक्वेरियस है एट ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस की टाइम है पॉज लेने का, आप अगर वेट कर रहे हो कि आपके लव लाइफ में कुछ जल्दी से हलचल हो जाए, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी टाइम लेने की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, ठीक है। आप पेशेंस लेकर चीजों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है हो सकता है रेडी नहीं है इस वक्त मूवमेंट लेने के लिए, तो आपको क्या जरूरत होगी, आपको जरूरत होगी वेट करने की, पेशेंटली चीजों को वेट करो, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात गाइस, चलिए एक यस नो सेशन कर लेते हैं, पूछ ले कोई भी क्वेश्चन और आंसर देख ले, यस या फिर नो आएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले और आंसर देखिए यस या फिर नो आएगा, आस्क एनीथिंग, आस्क एनीथिंग। चलिए सोच लिया आपने क्वेश्चन, अभी मैं कार्ड्स रिवील करने वाली हूँ। द एम्परर, ब्यूटिफुल, ओके। मुझे ऐसा दिख रहा है कि, और ऊपर का कार्ड ले लेते हैं, ऊपर का कार्ड है टू ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। तो आपका आंसर ये यस, ठीक है। आप प्यार के बारे में अगर पूछ रहे हो तो आप अपनी सोलमेट से डील कर रहे हो, तो आंसर है यस। अगर काम से रिलेटेड कुछ आपने पूछा है तो यस, आपके ऊपर बहुत जल्दी प्रेशर आने वाला है काम का, जिससे आप बहुत अच्छे से आपका काम कर पाओगे, या काम हुआ या फिर प्यार हुआ, आपका आंसर है यस। ओके, लाइक कर दे वीडियो को, अगर इस तरीके से वीडियो आपको पसंद है मैं डाला करूंगी, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, बाय गाइस।